अखंड भारत महासंघ ने दलित उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन पेश किया। मंगलवार को संगठन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 8 मार्च को होली के पावन पर्व पर सांप्रदायिक द्वेष भावना से दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा जानबूझकर अनुसूचित जाति के लोगों को कार से बुरी तरह रौंदकर घायल कर दिया गया। बताया गया कि मामला थाना भगतपुर अंतर्गत ग्राम धौलपुरी बामड़िया का है। घटना की रिपोर्ट तत्काल क्षेत्रीय थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस द्वारा मात्र एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मांग उठाई गई है कि घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर विजय कुमार, मनीष, रवि, नन्हेलाला, बाल्मीकि और रविंद्र राघव एडवोकेट सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जो ज्ञापन दिया है, आज हमने ये 8 तारीख को होली वाले दिन की भगत थाना क्षेत्र की धौलपुरी की घटना है, तो उसको लेकर हमने डीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है। वहां पर जो है वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ में जो है जबरदस्ती मोमडन परिवार के लोगों ने वहां पर गाड़ी चढ़ा करके कार कई बार उनके ऊपर आगे पीछे कार चढ़ाई, बहुत भयानक उनकी स्थिति है। और अभी तक ना तो कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, केवल जिसने कार चढ़ाई थी उसी को पुलिस ने कस्टडी में ले रखा है, और वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसके कुछ चोट नहीं लगी, कुछ नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में है। अब हम आज डीएम साहब से हमें मांग करिए, 3 दिन का हमने समय दिया डीएम साहब को कि मुलजिमानों की गिरफ्तारी हो और जो पीड़ित परिवार वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनके इलाज की सही व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो लोग सरकारी हॉस्पिटल से उनको अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। वो इतने गरीब लोग हैं कि इलाज के लिए बेचारे मारे मारे फरार, उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि उनके इलाज की व्यवस्था की जाए, उनको इलाज के लिए पैसे दिए जाएं, या सरकारी हॉस्पिटल में उनको अगर लाया जाए तो उनके सही से इलाज कराया जाए, उनकी आर्थिक मदद की जाए।